हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो नंबर 49 क्लास 12 का 6 चैप्टर के एग्जांपल कर रहे थे। आज हम दो बढ़िया एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5th और 7th क्या कह रहा है? पांचवा, यदि फलन एफ एक्स दे दिया 1 माइनस कॉस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, कब एक्स बराबर नहीं जीरो पर, एक्स बराबर नहीं जीरो मतलब छोटे और बड़े दोनों पर यही फलन आया, x का जीरो से छोटा लोगे तो भी यही, बड़ा लोगे तो भी x बराबर जीरो पर फलन का मान कितना है? 1/2। बिंदु x बराबर जीरो पर संतत है तो c का मान ज्ञात करना है। अपन को ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस दे रखा है, संतत दे रखा है, कब x बराबर जीरो पर, तब अपन को c का मान निकालना है। तो पहली बात, अगर संतत है, कंटिन्यूअस है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगे दोनों अलग अलग, और दोनों के मान किसके बराबर होंगे? फलन के बिंदु x बराबर जीरो पर मान के, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पर तीनों बराबर ले सकते हैं, क्योंकि फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। इज दैट क्लियर? अब अपन पहले सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालो, इसमें तो एक भी निकाल लो तो भी चल जाएगा। देखो राइट हैंड लिमिट f 0 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अब फलन तो वही लेना ऊपर वाला, 1 माइनस कॉस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। देखो अगर आप डायरेक्ट अगले स्टेप में क्या लिमिट x टेंड्स टू तो 0, x की जगह क्या रखोगे? 0 प्लस एक्स, जहां जहां x आ जाएगा वहां 0 प्लस एक्स अपॉन 0 प्लस एक्स साइन 0 प्लस एक्स। 0 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? एच। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस सी एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा 0 प्लस एच साइन एच हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर एच की जगह 0 रख दोगे तो एन निर्धारित रूप बन जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। देख लो कॉस या 0 रख दो 0 का मान 1 1 में देख जाएगा 0, ये 0 साइन 0 का मान 0 0 बटा 0 आ जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, एन निर्धारित रूप आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, और या तो हल करो या फिर प्रसार लगा दो, एक्सपेंशन लगा दो। देखो इसमें अपन एक्सपेंशन लगा देंगे, अपन को याद होगा कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है। ऐसे कार्यक्रम चलते हैं। साइन एक्स का क्या होता है? एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ 1 तो ये, इसका प्रसार क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रह गया है? तो सी एच का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस सी एच की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस सी एच की घात 6 फैक्टोरियल 6 प्लस अपॉन में नीचे एच तो है, साइन एच का क्या हो जाएगा? एच अपॉन फैक्टोरियल माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, ठीक है। अब ऊपर ब्रैकेट खोल दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस का माइनस, माइनस का प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, फिर माइनस चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, साइन रिवर्स हो जाएंगे, सी फोर एच फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस माइनस का प्लस हो गया सी सिक्स एच सिक्स अपॉन फैक्टोरियल माइनस अपॉन, नीचे क्या चलेगा? एच कॉमन आ गया, एच क्यूब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, कम हो गया ना, एच कॉमन आ रहा है, प्लस एच फोर अपॉन फैक्टोरियल माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस कर दिया, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी स्क्वायर एच स्क्वायर बार में, समय सी स्क्वायर एच स्क्वायर सबसे छोटा ही बचेगा क्या? 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 2 हो गया माइनस, ये क्या हो गया? सी स्क्वायर एच स्क्वायर, दो बार है तो 4 है तो 2 तो रहेंगे फैक्टोरियल 4 प्लस सी फोर एच फोर, फिर दो कम हो गए माइनस, नीचे क्या चल रहा है? एच
सॉरी एच बार आया तो एच स्क्वायर ही होगा, एक एच बार आया एच एच स्क्वायर ब्रैकेट वन अपॉन फैक्टोरियल वन वन ही होगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एच फोर अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस ये इससे कट गया, एच की जगह जीरो रख दो क्या आएगा सी स्क्वायर ब्रैकेट वन अपॉन टू माइनस ये सब जीरो हो जाएंगे, समझ रहे हैं क्योंकि सब में एच है। नीचे देखो एक माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस ऐसे ऊपर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू, नीचे क्या आ जाएगा कुल मिला कर आएगा सी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगी राइट हैंड लिमिट। ऐसे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है क्यों बताता हूँ। पहले तो आप देखो एक्स बराबर जीरो पर फलन का एफ एक्स का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर कितनी है वन एफ जीरो बराबर फंक्शन की जीरो पर वैल्यू एफ जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है। अच्छा एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स संतत है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कोई सी भी पहले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं, राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू होगी नहीं होगी। अच्छा अब राइट हैंड लिमिट कितनी है सी स्क्वायर अपॉन टू, ये कितनी है फंक्शन की ये रह जाएगा सी स्क्वायर जो टू वन जेड टू अपॉन टू टू वन जेड टू सी बराबर स्क्वायर हटाएगा स्क्वायर लेकिन प्लस माइनस सी बराबर प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है वर्गमूल कितना होता है एक, तो सी का आंसर आ गया प्लस माइनस एक। आगे ना जरूरी हम राइट हैंड लिमिट निकालिए लेफ्ट हैंड एक भी निकाल के काम चल सकता था, कई कई ऐसे प्रश्न जिसमें दोनों निकालने के बाद सभी कहते एक ही चर था एक ही वेरिएबल था तो एक इक्वेशन इससे बन गई आया ना, कई बार ऐसा होता है इससे भी एक इक्वेशन बने इससे भी एक इक्वेशन बने फिर सॉल्व, वो आगे बढ़ेंगे फिलहाल ये क्वेश्चन आगे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव स्टार क्वेश्चन है, समझ लो मेरी बात लगाते चले ठीक है। अगला देखें और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कौन सा एग्जाम्पल नंबर सेवन, ध्यान से देखेंगे वीडियो कोई चीज समझ नहीं आए बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर सेवन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है फलन एफ एक्स दे रखा है अपन को के लिए एम का पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो की क्या हो जाए संतत। देखो ये फंक्शन को संतत मानते हुए अपन को एम का प्रतिबंध निकालना है, प्रतिबंध मतलब है एम का क्या क्या मान हो सकता है। देखो इंग्लिश मीडियम ध्यान से समझे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कब कंटिन्यूस होगा जब m की क्या कंडीशन होगी उसकी कंडीशनल वैल्यू निकाल लेंगे यहां से यहां तक है या m ये हो सकता है ये अपन को निकालना है। देखो ध्यान से देखेंगे कैसे, अब ये संतत है कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए और तीनों बराबर होने चाहिए फलन के मान जीरो पर कितना है चाहिए ठीक है। ध्यान से सुने एग्जाम्पल नंबर सेवन बहुत ध्यान से देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हटके इसलिए क्या राइट हैंड लिमिट एफ जीरो पर ये जीरो प्लस जीरो बोलो यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस कौन सा फलन है एक्स की घात एम साइन एक बट्टा एक्स ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू तो जीरो एक्स की जगह क्या है जीरो प्लस एच क्या जाता है एच जीरो प्लस एच एच हो रहा है नहीं हो रहा एच की जगह जीरो
जीरो की घात एम साइन, एक बार कर मेरी बात समझना, जब भी आप जीरो रखो मेरी बात समझो, ये जब जीरो हो जाए साइन का मान जो है, ठीक है, एच जीरो से जीरो के लगभग है, तो साइन का मान क्या होता है, साइन का जो मान होता है वो माइनस एक से एक के बीच में होता है, ना माइनस एक से छोटा होगा ना एक से बड़ा होगा, साइन और कॉस दोनों का जो ये परिसर है, रेंज है, इसके अलावा तो याद रखना साइन अपन अंदर कुछ भी रख दे, साइन का मान हमेशा क्या होगा माइनस एक और एक के मध्य कोई भी वास्तविक मान, एनी रियल वैल्यू बिटवीन माइनस वन से, ठीक है, आगे वास्तव में अब जीरो की पावर कितनी है एम। अब मैंने कहा था कि ये संतत है, कंटिन्यूस है, बोल रहा संतत होगा तब एम पर प्रतिबंध निकालना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट, देखो ये तो कुछ भी आ जाएगा कोई भी वास्तविक मान रहेगा, अब m के मान एक बार मैं आपको बता रहा हूँ m की वैल्यू क्या रखनी है, अगर m बराबर जीरो रख दिया तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, जीरो की पावर जीरो इन टू कोई भी वैल्यू रहेगी माइनस वन से वन के बीच में, जीरो की पावर जीरो निर्धारित रूप है, ए परिभाषित है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, तो इनडिटरमिनेट हो गई तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी एम जीरो नहीं हो सकता, रहा था ना जीरो की पावर जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, एन निर्धारित रूप है, तो जीरो तो नहीं रख सकते, चलो अपन एम बराबर अब माइनस पर रख के देखते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर माइनस वन, ये तो क्या है माइनस वन का मतलब क्या होता है वन अपॉन जीरो, वैसे एक्स की पावर माइनस वन का मतलब होता है वन अपॉन एक्स होता ना, तो वन अपॉन जीरो इन टू, अरे बस समझे, तो अब वन अपॉन जीरो फिर क्या हो गया इन्फाइनेट, फिर ये आंसर जो आएगा इन्फाइनेट तक चीज मल्टीप्लाई करो इन्फाइनेट आएगी अनंत की आएगी अनंत आगे जाएगा परिभाषित अनंत तो, ठीक है, यानी माइनस में भी नहीं होगा, अच्छा प्लस में रख के देखते हैं, जीरो की पावर वन रख लो, हाफ रख लो, कुछ भी जीरो से बड़ी रख लो, अब जीरो के ऊपर कुछ भी पावर हो प्लस में तो ये ऐसे रहेगी, जीरो के ऊपर कुछ भी हो क्या आ जाएगा जीरो, इन टू कर दो इससे तो क्या जाएगा आया ना जीरो आ गया, सही है, ये तो परिभाषित मान है, हरीने वाले ये तो परिभाषित मान है, अरे बात समझे, तो m का मान क्या रख सकते हैं धनात्मक रख सकते हैं, यानी जीरो से बड़ा रख सकते हैं, देखो आप यहाँ पर लिखिए तो मैंने आपको समझाने के लिए करा, चाहो तो साइड में करके दिखा सकते हो, तो आप क्या करोगे राइट हैंड लिमिट का अस्तित्व होगा यदि m जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट इज एग्जिस्ट व्हेन एम इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जीरो, ये तो इससे आ गई, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट एफ जीरो माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, फंक्शन क्या है x की पावर m साइन वन अपॉन x, ठीक है, अगला लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x की जगह क्या आएगा जीरो माइनस h की पावर साइन जीरो माइनस h, जीरो माइनस h क्या होता है माइनस h होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, माइनस x की पावर m साइन, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन वन अपॉन एक्स, क्योंकि साइन माइनस को खा जीरो रख दो आप, तो माइनस जीरो की पावर एम इंटू माइनस माइनस एक और एक के मध्य कोई भी वास्तविक मान एनी रियल वैल्यू बिटवीन माइनस रहेगी कुछ बदल जाएगा बस, अब देखो आप फिर वही समस्या आ गई,
यहाँ माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो की पावर है हमारी, वही जीरो की पावर जीरो रख देंगे, एन की जगह जीरो रख देंगे तो जीरो की पावर जीरो एन है सारी, फिर माइनस में रखेंगे तो वो यही हो जाएगा रेसिप्रोकल, माइनस से क्या पड़ रहा है तो नीचे जाएगा ही, ठीक है। अब क्या ये भी एंटर नहीं बढ़ गया तो आप वो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट व्हेन एम इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब एम की वैल्यू जीरो रख देते हैं, जीरो से बड़ी रख देते हैं तभी होगा, ये तो तय हो गया। लेकिन अब ये देखें कि जो फलन है वो संतत हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, हमसे बड़ा मान रखने पर जीरो पर कोई भी मान रख दो इसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है ना, कंटिन्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो देखो अब जब एम की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, एम जीरो से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, जब जीरो से बड़ा अपन रखेंगे तो जीरो की पावर मतलब कितनी आ जाएगी, जीरो कैसे रहेगी, एम की जगह आप कोई भी मान रख दो जैसे ये एक बटा दो तो जीरो की पावर कुछ भी आया जीरो, ये कुछ भी आया जीरो से इंटू होकर क्या हो जाएगा जीरो, और एम बड़ा जीरो रख दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो, रख के देखो सेम वो ये माइनस में तो फर्क है, माइनस में जीरो तो कुछ होता ही नहीं, जीरो ना तो प्लस होता ना माइनस। अच्छा तो उसके बाद ये है एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कितना आ रहा है, फलन का मान एम जीरो पर, जीरो पर फलन का मान कितना है जीरो, यहाँ तीनों बराबर हुए तो यानी कि जब एम की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ठीक है ना, तब फलन क्या आ रहा है संतत आ रहा है, क्योंकि उस पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड और फलन का मान तीनों क्या रहे हैं, ठीक है। तो एम के लिए क्या प्रतिबंध हो गया, क्या कंडीशन हो गई, एम इज ग्रेटर देन जीरो, इज दैट क्लियर। ये जो घात है जीरो के ऊपर ये जो घात लग रही है ये हमेशा जीरो से कम होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ऋणात्मक होगी या जीरो की तो एम परिभाषित हो रहा है इसलिए जीरो से बड़ा होना चाहिए एम का मान, तभी ये कंटिन्यू तभी संतत होगा, इज दैट क्लियर। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, तो बार बार देखो यही कंसेप्ट इस एलएचएस में भी, केवल माइनस से तो ये माइनस माना गया और इसकी ध्यान इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आंसर तो अल्टीमेटली जीरो आना है, ठीक है। अगले वीडियो में और पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए।